Hello, my dear students. Very good evening to all of you and very welcome to all of you in your physics class. हमने अभी तक इस chapter number 6 में क्या क्या देखा? हमने देखा what is meaning of kinetic energy, what is meaning of potential energy और kinetic energy से related हमने एक बहुत अच्छा theorem देखा work done और kinetic energy से, that is work energy theorem. और ये theorem बहुत ज़्यादा useful है. जब कभी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स जब काम करेगा तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर सकते हो, पर जब कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना पड़ता है. इससे रिलेटेड हम बहुत सारा न्यूमेरिकल ऑल सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको आगे के लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि क्यों कहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करते हैं. अच्छा, अगर हम एक नया कैटेगरी अब एनर्जी का यहाँ पर देखते हैं जिसकी बात हम भी कर रहे थे, दैट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. किसकी बात करने वाले हैं? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी को अगर हम देखें, दैट मैकेनिकल एनर्जी डिनोटेड बाय ई, ओके, दिस मैकेनिकल एनर्जी वी आर डिनोटिंग बाय ई एंड इट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू. ये होता है मैकेनिकल एनर्जी. ओके, इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ये समेशन है. ओके, तो यहाँ पर ये है मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पर अगर हम उसके कंजर्वेशन की बात करें, ओके, हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स नहीं है, ओके, कोई बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी नहीं आ रही है, नहीं जा रही है, और किसी टाइप का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम के लिए उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है, मतलब कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होती है. ओके, तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, इफ नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एंड नो नॉन कंजर्वेटिव, जैसे कि फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं करना चाहिए, फ्रिक्शन काम करेगा या एयर रेजिस्टेंस काम करेगा या विस्कोसिटी काम करेगा, इस टाइप के कोई भी फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेंगे तो वहां पर आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं कर सकते. ओके, नो एक्सटर्नल सोर्स, कोई सोर्स नहीं है एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी है उसका जो भी है प्रेजेंट, एंड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट. ओके, फोर्स प्रेजेंट, देन मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड. मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? रिमेन कंजर्व्ड. सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन है. अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे और समझेंगे कैसे, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या यूज कर रहे हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम. ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हम वर्क डन कौन कौन कर सकता है?
वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है, वर्क डन यहाँ पर वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स कर सकता है। ओके इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ओके प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस जो भी हैं इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितने भी फोर्स देख रहे हैं उन सारे फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज दी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब यहां पर हम लिखें इफ इफ दिस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्सेस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, कोई दूसरा फोर्स भी वहां पर प्रेजेंट नहीं है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। तो हम यहां पर अब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमको पता है कि वर्क डन, हम यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, दैट्स व्हाई दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। यहाँ से हम अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। ओके मतलब कि डेल्टा ई इक्वल टू जीरो, मतलब देर इज नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ओके नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ओके इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड अदर फोर्स एक्टिंग इन अ सिस्टम, ओके देन द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है और मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है, और मैक्सिमम न्यूमेरिकल में हम काइनेमेटिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करते हैं, वो एक बहुत ईजी मेथड है कैलकुलेशन का। आगे हम देखते हैं, जो अभी हमने मैकेनिकल एनर्जी देखा है, दिस मैकेनिकल एनर्जी अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज ई इक्वल टू यू प्लस के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके मैकेनिकल एनर्जी का अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या होना चाहिए बताइए, एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट होना चाहिए जूल या फिर अर्ग। ओके अगर हम इसका डायमेंशन फार्मूला देखें तो डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, ML2T-2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके क्योंकि उससे हमको बहुत कुछ पता चलता है। ओके अब यहाँ पर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट नंबर वन जो आपको याद रखना है। ओके अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव और वी भी हमेशा पॉजिटिव होगा, सो दिस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके तो इफ यू इज पॉजिटिव, अगर यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। ओके तो ये पहला केस हमको याद रखना है, अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी भी पॉजिटिव होगा। दूसरा केस अगर यू पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और इस पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से छोटा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो पॉजिटिव होती है वो बड़ा होगा और उसमें से छोटी वैल्यू को आप सबट्रैक्ट करोगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो जो
आपका मैकेनिकल एनर्जी होगा वो फिर से पॉजिटिव आएगा. क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है और उसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से छोटा है. ओके, तो अल्टीमेट जो वैल्यू मिलेगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, है ना. ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है. तो जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है पर छोटा है काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड से, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव रहेगा. ये हमने सीखा. थर्ड बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है. ओके, मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है और ऐसा सिस्टम जिसका मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है, जिसका मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बाउंडेड सिस्टम. क्या कहते हैं? बाउंडेड सिस्टम. ऐसा सिस्टम ही बाउंडेड सिस्टम होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है. ओके, जिसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं बॉन्डेड सिस्टम. एग्जांपल हम देखते हैं, कोई एटम अगर हम ले लेते हैं, तो आपको ये पता है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है? माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें और उसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो हम यहाँ क्या समझ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन, तो उसका एग्जिस्टेंस, वो बॉन्डेड सिस्टम क्यों है? क्योंकि उसका मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है. उसका मैकेनिकल एनर्जी क्या है? नेगेटिव है. अगर हम हमारे सोलर सिस्टम की बात करें, हम किसी प्लैनेट की अगर बात करें तो उस प्लैनेट पर जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2R, और पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय R. और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2R. दिस इज द नेगेटिव. तो प्लैनेट क्यों एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव है. उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? नेगेटिव. तो किसी सिस्टम का अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है तो ऐसा सिस्टम होता है बाउंडेड सिस्टम. कैसा होता है? बाउंडेड सिस्टम होता है. उसके एग्जांपल हमारे सामने है. तो हमको जैसे बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी अगर नेगेटिव होती है तो वो स्टेबल है. ओके, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमने मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे जो आपको याद रखना है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की. तो आगे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वो इसी से लिंक्ड है उसमें हम उसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.